जी गुड मॉर्निंग तो आज हम करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर का रिवीजन क्लबिंग का क्या मतलब होता है क्लबिंग का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन की इनकम आप में ऐड की जा सकती है जोड़ी जा सकती है और फिर उस इनकम पर आपको टैक्स देना है तो क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर का पहला सेक्शन है सेक्शन सिक्सटी कोई पर्सन अपनी एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता लेकिन उस एसेट की इनकम दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है और एसेट की ओनरशिप अपने पास ही रखता है जिस एसेट पर ये इनकम हुई है और इनकम दूसरे को ट्रांसफर कर देता है तो ये इनकम ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ दी जाएगी क्लब कर दी जाएगी फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ब्रदर को या अपने फ्रेंड को इनकम ट्रांसफर की विदाउट ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ एसेट ऑन विच सच इनकम अराइजेस तो इस एसेट की इनकम मुझमें क्लब कर दी जाएगी फिर सेक्शन सिक्सटी वन रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फ्रेंड को यह एसेट ये कहकर ट्रांसफर कर दी कि यह एसेट मैं तुमसे कभी भी दोबारा ले सकता हूं या इस एसेट की इनकम तुमसे कभी भी ले सकता हूं हालांकि मैं ले नहीं रहा एसेट दोबारा उससे या उस एसेट की इनकम उससे ले नहीं रहा लेकिन इस कंडीशन के साथ मैंने उसको ये एसेट दी कि ये एसेट या एसेट की इनकम मैं तुमसे कभी भी दोबारा ले सकता हूं तो ये कहलाता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट तो इस सिचुएशन में उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर की इनकम में क्लब कर दी जाएगी लेकिन इस सिचुएशन में एक पॉइंट है अगर ट्रांसफर ट्रांसफरी को ये एसेट ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक देता है कि ट्रांसफर ट्रांसफरी को बोलता है ये एसेट जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी है तुम्हारे मरने के बाद यह एसेट दोबारा मेरी हो जाएगी तो इस सिचुएशन में क्लबिंग नहीं होगी इस सिचुएशन में ट्रांसफरर ट्रांसफर ही को उसके लाइफ टाइम के लिए एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो क्लबिंग प्रोविजन इस सिचुएशन में अट्रैक्ट नहीं होंगे मतलब इस सिचुएशन में ये ट्रांसफर इरिवोकेबल ट्रांसफर कहलाएगा रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं कहलाएगा क्लबिंग नहीं होगी फिर समझते हैं अगर कोई पर्सन स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर दे मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड तो स्पाउस को एसेट ट्रांसफर की तो फिर उस सिचुएशन में सेक्शन 64 फोर सबसेक्शन वन क्लॉस फोर अप्लीकेबल होगा और उस ट्रांसफर्ड एसेट की इनकम ट्रांसफरर को क्लब हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर की और उस एसेट से इनकम रिसीव हुई वो वाइफ को ही रिसीव हुई लेकिन वो इनकम मुझमें क्लब कर दी जाएगी लेकिन क्लबिंग नहीं होगी अगर एसेट ट्रांसफर की गई है मैंने अगर उसका एडिक्यूट कंसीडरेशन चार्ज करके एसेट ट्रांसफर की है तो क्लबिंग नहीं होगी और अगर एसेट ट्रांसफर की गई है अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट फॉर एग्जाम्पल हसबेंड और वाइफ में तलाक हो गया और हस्बैंड ने ये एसेट डिवोर्स केस में वाइफ को दी है तो उस सिचुएशन में उस एसेट की क्लबिंग हस्बैंड में नहीं होगी अब एक बात और समझते हैं। अगर एसेट जो ट्रांसफर की गई है वो हाउस प्रॉपर्टी है तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि उस सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन ट्वेंटी सेवन डीम्ड ऑनरशिप अप्लीकेबल हो जाता है और वो भी यही बोलता है कि ये एसेट ये एसेट से जो इनकम हुई है, मतलब इस हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है वो ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी बट उस केस क्लबिंग उस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे उस सिचुएशन में डीम्ड ऑनरशिप का सेक्शन सेक्शन 27 लगेगा ठीक है लेकिन अगर ट्रांसफरी ने ये एसेट ट्रांसफर कर दी तो उसपे जो कैपिटल गेन होगा वो दो ट्रांसफरर में क्लब होगा तो ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला रेंटल इनकम की क्लबिंग नहीं होगी लेकिन कैपिटल गेन की इनकम क्लब होगी ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं अगर कोई पर्सन अपनी सेंस वाइफ को एसेट ट्रांसफर करता है तो उस एसेट की इनकम भले ही सन्सवाइफ अपने पास रखे लेकिन वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर को ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी लेकिन अगर एसेट ट्रांसफर की गई है आफ्टर चार्जिंग एडिकेट कंसीडरेशन तो फिर क्लबिंग नहीं होगी और दूसरी सिचुएशन अगर एसेट ट्रांसफर की गई है बिफोर सन्स मैरिज सन की मैरिज होने से पहले अगर ट्रांसफर की गई है एसेट तो उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर में क्लब नहीं होगी अब एक बात समझिए दोनों ही केसेस में रिलेशन कब देखना है जब एसेट ट्रांसफर की गई और जब इनकम हुई जब एसेट ट्रांसफर की गई और जब इनकम हुई दोनों टाइमिंग पर रिलेशन एग्जिस्ट करे तो ही क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे ठीक है फिर अब एक बात समझते हैं फॉर एग्जांपल हसबेंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया तो उस उससे जो इनकम वाइफ को होगी वो वाइफ में हस्बैंड में क्लब हो जाएगी हस्बैंड ने वाइफ को सपोज पांच लाख रुपए दिए पांच लाख रुपए वाइफ ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए और उस बिजनेस से जो भी इनकम होगी वो टू द इन रिलेशन टू प्रपोर्शन ऑफ इनकम वो ट्रांसफर uh, हस्बैंड को टैक्सेबल हो जाएगी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया पांच लाख ठीक है अब क्लबिंग होगी क्या सपोज वाइफ ने ये पैसा बिजनेस में लगाया लेकिन वाइफ ने बिजनेस में कैपिटल लगाई चार लाख का तो फिर क्लबिंग कैसे होगी पहले ये समझते हैं चार लाख बिजनेस प्रॉफिट है हस्बैंड का दिया हुआ कितना इस कैपिटल में शामिल है बीस लाख की कैपिटल लगाई वाइफ ने बिजनेस में इसमें हस्बैंड का दिया हुआ कितना पैसा शामिल है पांच लाख तो क्लबिंग इस पांच लाख को लेकर होगी तो चार लाख की बिजनेस इनकम इन टू फाइव लैक हस्बैंड का दिया हुआ अपॉन ओपनिंग कैपिटल इस ओपनिंग कैपिटल के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ पांच लाख शामिल है तो एक लाख की इनकम हस्बैंड को क्लब हो जाएगी ठीक है लेकिन अब इसमें एक बात समझना अगर गिफ्ट दिया गया है पांच लाख गिफ्ट दिया गया है दस अप्रैल को और वाइफ बिजनेस स्टार्ट करती है उसके बिजनेस की डीसी की अप्रैल है ठीक है तो पंद्रह अप्रैल के दिन वो इस बिजनेस में जो ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें हस्बैंड का दिया हुआ पांच लाख शामिल है तो इस सिचुएशन में क्लबिंग सेम ईयर से अप्लीकेबल हो जाएगी लेकिन अब एक बात और समझना अगर वाइफ पहले ही बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है पंद्रह चार दो हजार तेईस को और हस्बैंड वाइफ को ये पांच लाख रुपए गिफ्ट दे रहा है बीस अप्रैल को तो उस सिचुएशन में क्लबिंग नेक्स्ट ईयर से होगी इस ईयर से नहीं होगी उसका लॉजिक समझिए ओपनिंग कैपिटल के अंदर इस साल की ओपनिंग कैपिटल के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ पांच लाख शामिल नहीं है ठीक है तो इस साल तो क्लबिंग नहीं होगी क्लबिंग नेक्स्ट ईयर से होगी रीजन नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कैपिटल में हस्बैंड का दिया हुआ पैसा शामिल है तो इस तरीके से क्लबिंग के प्रोविजर्स एप्लीकेबल होंगे तो देखिए अगर ये पैसा जो हस्बैंड ने दिया वाइफ को वाइफ ने प्रोप्राइटरी बिजनेस में अपनी कैपिटल लगा दी तो उससे जो बिजनेस इनकम हुई वाइफ को और उस बिजनेस में हसबेंड uh, का दिया हुआ पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ अपॉन प्रीवियस ईयर के शुरू में प्रीवियस ईयर के शुरू में मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरीके से प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगी हस्बैंड को अब सपोज वाइफ ने ये पैसा किसी प्रोप्राइटरी कंसर्न में नहीं लगाया वाइफ ने ये पैसा किसी पार्टनरशिप फर्म में लगाया तो वाइफ को उस पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट रेमुनरेशन और प्रॉफिट शेयर मिलेगा ध्यान रखिए प्रॉफिट शेयर एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 102A में तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी ठीक है एग्जम्प्टेड इनकम की क्लबिंग नहीं होती है तो वो क्लब नहीं होगा हस्बैंड को और रेमुनरेशन अगर वाइफ को उसकी एबिलिटी और स्किल की वजह से मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से तो वो भी हस्बैंड को क्लब नहीं होगा और लेकिन इंटरेस्ट की सेम वे में प्रोपोर्शनेट क्लबिंग हो जाएगी जो हमने अभी ऊपर समझा था ठीक है इसका मतलब इंटरेस्ट को लेकर क्लबिंग होगी अगर पर्सनल स्किल एबिलिटी की वजह से मिल रहा है तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी और एग्जामेड इनकम यानी प्रॉफिट शेयर उसकी भी क्लबिंग नहीं होगी अब एक बात समझते हैं अगर ऐसे ट्रांसफर की गई है सन वाइफ को या स्पाउस को लेकिन उनको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं की गई है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर की गई है किसी थर्ड पार्टी को एसेट ट्रांसफर की लेकिन उस एसेट से बेनिफिट स्पाउस को मिलेगा या सन्स को मिलेगा तो इस सिचुएशन में भी क्लबिंग प्रोविज़र्स अप्लीकेबल होंगे और उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर को क्लब हो जाएगी तो इस किस्म में अगर स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसी थर्ड पार्टी को एसेट ट्रांसफर की गई है तो सेक्शन एप्लीकेबल होगा सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 अगर सनस वाइफ के बेनिफिट के लिए किसी थर्ड पार्टी को एसेट ट्रांसफर की गई है तो उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर में क्लब होगी और उस सिचुएशन में सेक्शन लगेगा सेक्शन 64 सब सेक्शन क्लॉज 8 ठीक है अब हम समझते हैं माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी माइनर चाइल्ड चाहे सन हो चाहे डॉटर हो सेक्शन लगेगा सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 ए तो माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लबिंग होने का सिस्टम है अगर पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट करती है और दोनों में तलाक नहीं हुआ है और दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं जिंदा हैं तो वो सिचुएशन में क्लबिंग किस पेरेंट में होगी ये इनकम क्लब होने से पहले जिसकी भी इनकम हायर है मतलब फादर या मदर दोनों की इनकम ये इनकम क्लब होने से पहले जिसकी भी इनकम हायर है माइनर चाइल्ड की इनकम उसमें क्लब कर दी जाएगी देखिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन क्यू इंट्रोड्यूस किया है देखिए फॉर एग्जांपल फादर को बहुत ज्यादा इनकम है तो फादर ने वो इनकम की बैंक में एफडी करवा दी अगर अपने नाम से एफडी करवाते हैं तो वो इनकम फादर को सीधे टैक्सेबल होनी है ये इनकम उनकी ही है लेकिन फादर प्लानिंग करते हैं कि ये इनकम मैं अपने माइनर चाइल्ड के नाम से एफडी करवा देता हूं बैंक में और उस एफडी का इंटरेस्ट माइनर चाइल्ड को टैक्सेबल हो जाएगा फादर इस इंटेंशन के साथ माइनर चाइल्ड के नाम से बैंक में एफडी करवा देते हैं तो गवर्नमेंट का कहना है इस सिचुएशन में एफडी की इनकम फादर की इनकम में क्लब कर दी जाएगी ठीक है तो प्रोविजन क्या बोलता है क्लबिंग किसमें होगी फादर में या मदर में जिसकी भी इनकम ये इनकम क्लब होने से पहले फादर की या मदर की जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसमें क्लबिंग हो जाएगी अब एक बात समझना एक बार जिस पेरेंट में क्लबिंग होना स्टार्ट हो गई उसी पेरेंट में सबसे क्यूंट में भी क्लबिंग होती रहेगी जब तक कि एसेसिंग ऑफिसर को ऑब्जेक्शन ना हो फॉर एग्जांपल एक बार शुरू में मदर में क्लब हो गई इनकम तो वो मदर में ही क्लब होती रहेगी फिर फादर में क्लब नहीं होगी तो क्लबिंग जिसमें एक बार स्टार्ट हो जाती है जिस पेरेंट में सबसे क्यूंट में भी माइनर चाइल्ड की इनकम उसी पेरेंट में क्लब होती है अब एक बात और समझना अगर एक ही पेरेंट अलाइव है तो उस अलाइव पेरेंट की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब कर दी जाएगी फिर तीसरी बात अगर दोनों पेरेंट्स की 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 डेथ डेथ हो हो चुकी चुकी है है फादर मदर दोनों तो माइनर चाइल्ड इनकम गार्जियन में क्लब नहीं होगी गार्जियन में क्लब नहीं होगी ग्रांड पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी सिर्फ पेरेंट्स में ही क्लबिंग होने का सिस्टम है अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे और उस सिचुएशन में वो इनकम खुद माइनर चाइल्ड को टैक्सेबल होगी वो इनकम माइनर चाइल्ड को ही टैक्सेबल होगी फिर अगर मैरिज पेरेंट सब्सिस्ट नहीं करती फॉर एग्जाम्पल दोनों में तलाक हो गया है तो माइनर चाइल्ड की इनकम कौन से पेरेंट में क्लब होगी तो गवर्नमेंट का कहना है इस सिचुएशन में जिस पेरेंट ने ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस माइनर चाइल्ड को मेंटेन किया है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जिस पेरेंट ने फादर ने या मदर ने इस माइनर चाइल्ड को मेंटेन किया है ये माइनर चाइल्ड की इनकम उसी पेरेंट में क्लब कर दी जाएगी ठीक है लेकिन जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी पेरेंट्स जो जिस पेरेंट में भी क्लब हुई है माइनर चाइल्ड की इनकम वो पेरेंट सेक्शन टेन थर्टी टू में एग्जामेशन ले सकता है पंद्रह सौ रुपए पर एनम पर चाइल्ड ठीक है तो पंद्रह सौ रुपए पर इनाम पर चाइल्ड का एग्जामेशन मिल जाता है अगर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है और क्लबिंग प्रोविजन वहां पर भी अप्लीकेबल होते हैं भले ही माइनर चाइल्ड मैरिड है माइनर चाइल्ड चाहे सन है चाहे डॉटर है मैरिड है क्लबिंग प्रोविजन तब भी अप्लीकेबल होंगे फिर एक बात और समझते हैं फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर माइनर चाइल्ड मेजर हो गया तो माइनॉरिटी पीरियड की इनकम ही क्लब होगी जिस दिन से वो मेजर हो गया उस दिन से इनकम पेरेंट में क्लब नहीं होगी अब एक बात और समझना चाइल्ड जो है वो लीगल चाइल्ड होना चाहिए ठीक है और इवन अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड की भी क्लबिंग होगी पेरेंट्स में लेकिन अब हम समझते हैं कुछ केसेस में क्लबिंग नहीं होगी पहला केस अगर माइनर चाइल्ड एटीयू से सफर्ड है तो उस सिचुएशन में क्लबिंग नहीं होगी दूसरा केस अगर माइनर चाइल्ड को अपने फिजिकल वर्क मैनुअल वर्क स्किल एबिलिटी टैलेंट की वजह से इनकम हुई है नॉलेज एक्सपीरियंस की वजह से इनकम हुई है जैसे जॉब करता है माइनर चाइल्ड तो उस सिचुएशन में उस जॉब की इनकम माइनर चाइल्ड पर माइनर चाइल्ड को खुद ही टैक्स देना होगा वो पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एबिलिटी इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से माइनर चाइल्ड को इनकम हुई इस इनकम पर माइनर चाइल्ड को खुद ही टैक्स देना होगा सिंगिंग पार्टिसिपेशन एंड डांस शो और पोस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल उससे इनकम हुई तो ये इनकम भी पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी इस इनकम पर माइनर चाइल्ड को खुद ही टैक्स देना होगा ठीक है और अगर मदर और फादर दोनों की इनकम इक्वल हो गई बिफोर क्लबिंग जिसकी भी इनकम हायर होती है उसमें जोड़ी जाती है माइनर चाइल्ड की इनकम उसमें क्लब होती है लेकिन ये इनकम क्लब करने से पहले अगर फादर और मदर दोनों की इनकम इक्वल है तो उस सिचुएशन में भी क्लबिंग नहीं होगी और अगर ये इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं हुई इन तीनों केसेस में तो फिर उस सिचुएशन में उस इनकम पर माइनर चाइल्ड को खुद ही टैक्स देना होगा फिर अब समझते हैं सेक्शन 64 फोर सबसेक्शन वन क्लॉस सेकेंड रेमेशन ऑफ स्पाउस ये कब अप्लीकेबल होगा काफी लोग समझते हैं इस हेडिंग को पढ़कर कि किस का रेमरेशन फॉर एग्जाम्पल वाइफ का रेमरेशन हस्बैंड में क्लब हो ही जाएगा ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल वाइफ को अगर उसकी पर्सनल एबिलिटी स्किल की वजह से इनकम हो रही है तो वो क्लब नहीं होगी ठीक है अब तो ये सेक्शन अप्लीकेबल कब होगा ये समझते हैं है कंडीशन है वो इंडिविजुअल है और वो किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है तो एसएससी जो है किसी कंसर्न में मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है देखो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है या तो कम से कम 20 परसेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी कंसर्न में कम से कम 20 परसेंट प्रॉफिट रेशियो या 20 परसेंट वोटिंग पावर किसी कंपनी में और ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हम कब चेक करते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो अगर एस एस इंडिविजुअल है और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में और एसएससी की स्पाउस एसएससी के स्पाउस उस कंसर्न में एम्प्लॉयड है मतलब एम्प्लॉय शो किया हुआ है लेकिन स्पाउस उस कंसर्न के लिए प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करती उनको ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज एक्सपीरियंस कुछ नहीं है इसका मतलब उस कंसर्न से उस कंसर्न में स्पाउस को एम्प्लॉय शो किया हुआ है और वहां से उनको रिसीव हो रहा है विदाउट वर्किंग तो उस सिचुएशन में ये इस इंडिविजुअल यानी एसएससी की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा ठीक है सबस्टेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग बता दिया था कंपनी के, के केस ट्वेंटी परसेंट वोटिंग पावर और अदर कंसर्न के के केस में कम से कम ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सबस्टेंशियल इंटरेस्ट देखते कम है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अब हम एक स्पेशल प्रोविजन समझते हैं इसी सेक्शन के अंदर अगर Husband और वाइफ दोनों का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ठीक है और वाइफ दोनों का उस कंसर्न में फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है का, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्वेंटी परसेंट है कम से कम ठीक है और दोनों को रेमुनरेशन मिल रहा है उस कंसर्न से दोनों उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं और दोनों को उस कंसर्न से रेमडेशन रिसीव हो रहा है और रेमडेशन रिसीव हो रहा है विदाउट एनी एक्सपीरियंस टेक्निकल नॉलेज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब विदाउट वर्किंग उनको रेमडेशन मिल रहा है तो ये रेमडेशन किसमें क्लब कर दिया जाएगा जिसकी भी इनकम ये इनकम क्लब होने से पहले हायर इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम किसकी हायर है ये इनकम क्लब होने से पहले जिसकी भी हायर इनकम है उस इनकम में ये इनकम ये रेमोलेन क्लब कर दिया जाएगा और जिसमें एक बार क्लबिंग होना स्टार्ट हो गई सबसे क्यूंटीयर्स में भी क्लबिंग उसी में ही होती रहेगी हर साल चेक नहीं करना है कि हस्बैंड और वाइफ किसकी इनकम ज्यादा है उसमें क्लब करो हर साल चेक नहीं करना है ये हायर हायर हर साल चेक नहीं करना है एक बार जिसमें क्लबिंग होना स्टार्ट हुआ सबसे ट्वेंटी में भी उसी में ही क्लबिंग होती रहेगी तो देखो यहां दो है। पहले तो था कि हायर नहीं देखना है यहां पर हायर नहीं देखना है तो इसमें क्या देखना है ये इनकम जो स्पाउस को मिल रही है एस एससी की इनकम में क्लब हो जाएगी फिर स्पेशल प्रोविजन क्या था स्पेशल प्रोविजन ये था कि हसबेंड और वाइफ दोनों का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है दोनों को उस कंसर्न से रेमडेशन मिल रहा है तो ये रेमडेशन किसमें क्लब कर दिया जाएगा ये क्लबिंग होने से पहले जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसमें ये रेमडेशन क्लब कर दिया जाएगा और एक बार जिसमें क्लबिंग होना स्टार्ट हुई सबसे क्यूंटियर्स में भी ये इनकम उसी पर्सन में क्लब होती रहेगी अब हम समझते हैं अगर एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एच प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दी ठीक है फॉर एग्जांपल मिस्टर राम के पास एक पांच रूम वाला मकान है, five है, उस मकान है फाइव रूम्स हैं उस में राम ने अपना ये मकान अपनी एफ को दे दिया यूज करने के लिए ठीक है विदाउट एनी कंसीडरेशन कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया गया तो इस ट्रांसफर्ड एसेट से जो इनकम है वो राम में क्लब कर दी जाएगी फॉर एग्जाम्पल एच ने ये पांच रूम वाला मकान लेट आउट कर दिया और किराए की इनकम एच रिसीव कर रही है लेकिन ये पांच रूम की रेंटल इनकम स्टिल राम को ही टैक्सेबल होगी भले ही एच रिसीव कर रही है ठीक है तो अब एक बात समझना अब एक बात समझना अगर एच में पार्टीशन नहीं हुआ है दो सिचुएशन है यहां पर एच में पार्टीशन हुआ है कि नहीं हुआ है? पहला केस एच पे पार्टीशन नहीं हुआ है तो इस एसेट की इनकम पूरी की पूरी ट्रांसफर में क्लब कर दी जाएगी लेकिन अगर का पार्टीशन हो गया है, चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को एक, एक, एक से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पांच रूम वाला मकान है ये पांच रूम वाला मकान है हाउस प्रॉपर्टी है पांच रूम है इसके अंदर ठीक है पांचों रूम राम ने एचयूएफ को दे दिए पूरा मकान दे दिया इससे एच को रेंटल इनकम हो रही है अगर एच में पार्टीशन नहीं हुआ है तो इस पूरे पांचों रूम की रेंटल इनकम राम को टैक्सेबल होगी क्लब हो जाएगी ठीक है लेकिन अगर पार्टीशन हो गया पार्टीशन पर राम और राम के स्पाउस को सिर्फ ये दो रूम मिले तो इस सिचुएशन में सिर्फ इन दो रूम की रेंटल इनकम ही राम को टैक्सेबल होगी क्लब होगी ठीक है बाकी बाकी के ये तीन रूम पार्टीशन पर अदर मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इन तीन रूम की इनकम राम को टैक्सेबल नहीं की जाएगी और एक बात और सुनिए फॉर एग्जांपल ये तीसरा रूम राम के माइनर चाइल्ड को दिया गया तो माइनर चाइल्ड को इस रूम से जो रेंटल इनकम होगी वो राम में क्लब कर दी जाएगी ठीक है अब एक बात समझिए माइनर चाइल्ड को लेकर एक और बात समझते हैं फॉर एग्जाम्पल माइनर चाइल्ड ने माइनर चाइल्ड ने किसी डांस शो में पार्टिसिपेट किया और उस डांस शो में पार्टिसिपेट करने से जो विनिंग का अमाउंट मिला वो क्लब नहीं होगा पेरेंट को क्यों ये उस माइनर चाइल्ड की एबिलिटी कम है तो इसकी क्लबिंग नहीं होगी लेकिन इस डांस शो से जो इनकम हुई पेरेंट ने उसकी बैंक में एफडी करवा दी फिर उस एफडी पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका उसकी तो क्लबिंग पेरेंट्स में होगी ठीक है इसका मतलब सिर्फ मेन मेन एबिलिटी इनकम क्लब नहीं होगी लेकिन एबिलिटी इनकम पर किसी इनकम का एक्रीशन हुआ तो फिर वो इनकम तो पेरेंट में क्लब होगी अब एक बात और समझते हैं एक बात और समझते हैं अभी क्लबिंग चैप्टर को लेकर मिसक्लिनियस प्रोविजस क्लबिंग कैसे होगी हेडवाइज़ होगी ठीक है जैसे रेंटल इनकम रेंटल इनकम की क्लबिंग होनी है तो एसएससी के हाउस प्रॉपर्टी एड में जाएगी ठीक है तो इस तरीके से क्लबिंग हेडवाइज़ होगी अब एक और सवाल क्या नेगेटिव इनकम यानी लॉस की भी क्लबिंग होगी यस लॉस की भी क्लबिंग होगी अब एक बात और समझते हैं जो इनकम एसएससी की इनकम में आकर क्लब हो गई एसएससी उस क्लब इनकम पर चैप्टर सिक्स की डिडक्शन क्लेम कर सकता है क्या यस yes, क्लेम कर सकता है लेकिन डिडक्शन डबल नहीं होंगे फॉर एग्जांपल माइनर चाइल्ड की इनकम फादर में क्लब हो गई अब फादर का कहना है मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में दो लोगों की इनकम है तो मुझे ए का डिडक्शन जो दिया जा रहा है डेढ़ लाख वो डबल मिले ऐसा नहीं होगा डिडक्शन उस क्लब इनकम पर मिलेंगे तो सही लेकिन वो डबल नहीं हो जाएंगे अब एक बात और समझते हैं यहां पर एक कंसेप्ट काम आता है क्रॉस ट्रांसफर का इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं फॉर एग्जांपल मिस्टर रमेश ने अपने मिस्टर रमेश ने अपने ब्रदर के माइनर चाइल्ड को पांच लाख रुपए दिए इधर ब्रदर ने रमेश की वाइफ को छह लाख के डिबेंचर दिए तो क्रॉस ट्रांसफर हुआ दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला मिस्टर रमेश ने अपने ब्रदर के माइनर चाइल्ड को पांच लाख दिए और इधर रमेश के ब्रदर ने रमेश की वाइफ को छह लाख के डिबेंचर दिए अब इस केस में यह क्रॉस ट्रांसफर है क्रॉस गिफ्ट है तो इस सिचुएशन में क्लबिंग प्रोविजन कैसे अप्लीकेबल होंगे ये बात समझते हैं सपोज इस पांच लाख जो माइनर चाइल्ड को मिले उन्होंने बैंक में एफडी करा दी और एफडी पर इंटरेस्ट मिला फोर्टी फाइव थाउजेंट ठीक है ये फोर्टी फाइव थाउजेंट माइनर चाइल्ड के फादर यानी मिस्टर रमेश के ब्रदर में क्लब हो जाएंगे पूरे के पूरे लेकिन हमें पता है जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट में क्लब होती है तो पेरेंट उस पर सेक्शन टेन थर्टी टू का पंद्रह सौ रुपए का एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं तो वो मिल जाएगा और बाकी का फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड रमेश के ब्रदर में क्लब हो जाएगा ठीक है फिर इधर रमेश की वाइफ को रमेश के ब्रदर ने छह लाख के डिबेंचर दिए उस छह लाख के डिबेंचर पर अगर वाइफ को फोर्टी फाइव थाउजेंड डिबेंचर इंटरेस्ट मिला तो वो डिबेंचर इंटरेस्ट मिस्टर रमेश को क्लब होना है लेकिन यहां पर मैचिंग अमाउंट कितना है मैचिंग अमाउंट सिर्फ पांच लाख है मैचिंग अमाउंट पांच लाख है तो उसको लेकर ही क्लबिंग होगी तो 45,000 डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा रमेश में क्लब नहीं होगा फाइव अपॉन सिक्स इस रेशियो में थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड ही रमेश में टैक्सेबल होगा ठीक है तो हमने समझा क्लबिंग चैप्टर क्लबिंग चैप्टर में क्या क्या क्लब होता है हमने बोला अगर स्पाउस की क्लबिंग होती है उसकी भी प्रोविजन है सर्स वाइफ की इनकम है वो भी क्लब होने का सिस्टम है ठीक है माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होने का सिस्टम है लेकिन एक बात समझिए ब्रदर की इनकम क्लब होने का सिस्टम है नहीं ठीक है अंकल की इनकम क्लब हो जाए ऐसा कोई सिस्टम है नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर का मतलब है किसी दूसरे पर्सन की इनकम एस एस सी की इनकम में क्लब कर दी जाएगी और उस इनकम पर एस एस सी को टैक्स देना होगा इसके साथ ही एक छोटा सा चैप्टर और कर लेते हैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम इसमें पहला सेक्शन सेक्शन सिक्सटी एट कैश क्रेडिट एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई सम क्रेडिटेड पाया गया एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी अमाउंट क्रेडिटेड पाया गया और एसएससी से उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि अमाउंट क्या है एसएससी उसका कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं कर पाया उसका नेचर और सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया या एसएससी ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया तो सही लेकिन वो एसेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ये जो सम फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसएससी है इसे एसएससी की इनकम माना जाएगा ठीक है किस ईयर की इनकम माना जाएगा जिस ईयर में ये अमाउंट एसएससी की बुक्स में क्रेडिट हुआ ठीक है ये उस ईयर की इनकम माना जाएगा और इस पर एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा अब एक बात और समझते हैं अगर ये सम जो क्रेडिटेड है रिप्रेजेंट करता है किसी लोन और बोराइंग तो से एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि आप ये जो सम है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर क्रेडिट हुआ है ये लोन है ये लोन आपने किससे लिया ये लोन आपने किससे लिया अगर वो पर्सन जिस पर्सन से आपने लोन लिया है अगर ये वो पर्सन वो दूसरा पर्सन इस लोन का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता इस इस इनकम का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसने आपको ये दो, लोन दिया तो है लेकिन ये लोन उसने अपनी किस इनकम से दिया अगर वो दूसरा पर्सन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिससे आपने ये लोन लिया है या उसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन एस ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो एसएससी ये लोन का अमाउंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में फाउंड क्रेडिटेड है तो ये आपकी मान लिया जाएगा ठीक है अब एक बात और और समझना, अगर क्लोजली कंपनी है, और उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो क्रेडिट अमाउंट किया है वो रिप्रेजेंट करता है किसी शेयर एप्लीकेशन मनी को या शेयर कैपिटल को या शेयर प्रीमियम को कि ये पैसा तो हमको अपने शेयर होल्डर से मिला है शेयर कैपिटल का पैसा है या शेयर प्रीमियम का पैसा है तो एसेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा उस शेयर होल्डर को बुलाओ जिसने आपको शेयर शेयर कैपिटल या प्रीमियम का पैसा दिया है उस शेयर होल्डर को बुलाओ अगर वो शेयर होल्डर आपकी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसने उसका सोर्स या और नेचर एक्सप्लेन कर दे कि उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा वो कहां से लाया उसका नेचर और सोर्स आपका शेयर होल्डर एक्सप्लेन कर दे तो उस सिचुएशन में यह हम इनकम नहीं मानेंगे लेकिन अगर आपका शेयर होल्डर उस इनकम का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो क्लोजेल्ड कंपनी आपके लिए शेयर कैपिटल का अमाउंट आपकी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा या वो शेयर होल्डर ने एक्सप्लेनेशन दिया तो है लेकिन वो एसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो क्लोजेल्ड कंपनी आपको आपके शेयर होल्डर से ये जो शेयर कैपिटल और शेयर कैप, प्रीमियम का पैसा मिला है तो क्लोज गेन कंपनी आपके लिए इनकम मान लिया जाएगा फिर सेक्शन समझते हैं सेक्शन 69 अनएक्सप्लेंड इन्वेस्टमेंट अगर किसी ईयर में एसएससी के पास कोई इन्वेस्टमेंट पाए गए और एसएससी ने उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है ठीक है और एसएससी से उस उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया एसएससी या तो कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया उसके नेचर और सोर्स का या उसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है असेसिंग ऑफिसर के नजर में तो फिर वो जो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू एसएससी की इनकम डीम्ड इनकम मानी जाएगी किस ईयर में इनकम मानी जाएगी जिस साल एसएससी ने ये इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है तो एसएससी अगर अपना इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहां से लाया उसका नेचर और सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है या उसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन एसेसिंग ऑफिसर के नजर में सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो ये अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एस की डिम्ड इनकम मानी जाएगी फिर समझते हैं अनएक्सप्लेन एम बीजेए एम बी जे एट का मतलब मनी बुलियन ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया सेक्शन सिक्सटी नाइन ए इसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर किसी ईयर में एस के पास मनी बुलियन ज्वेलरी पाई गई फॉर एग्जाम्पल एस एस सी यहां रेड हुई और उसके यहां पर 25 करोड़ की ज्वेलरी पाई गई तो ये 25 करोड़ एस एस सी की इनकम माना जाएगा ये ज्वेलरी एस एस सी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी शो नहीं की तो ये 25 करोड़ की ज्वेलरी एस की इनकम मान ली जाएगी एस से पूछा जाएगा कि आपने ये ज्वेलरी कहां से खरीदी इसका नेचर और सोर्स एक्सप्लेन करो ठीक है एसएससी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। या वो एक्सप्लेन करता तो है बट उसका एक्सप्लेनेशन एस एस सी ऑफिसर के नजर में सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो ये मनी या बुलियन ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग की वैल्यू एसएससी की डीम्ड इनकम मानी जाएगी और किस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस साल में एसएससी पकड़ा गया ये मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह जब उसके यहां पकड़ी गई उस ईयर की इनकम मान लिया जाएगा ठीक है फिर सेक्शन सिक्सटी नाइन 69 बी अगर वो कम रिपोर्ट करता है फॉर एग्जाम्पल उसने ज्वेलरी खरीदी पांच करोड़ की लेकिन अपनी बुक्स ऑफ़ में सिर्फ दो करोड़ बताई तो तीन करोड़ की ज्वेलरी उसने छुपा दी, पकड़ा गया, रेड हुई पकड़ा गया तो फिर उस सिचुएशन में उसने अंडर अंडर डिस्क्लोज किया है अपनी इन एसेट्स को तो उस सिचुएशन में भी एसएससी से एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा एसएससी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया या फिर उसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ये डिफरेंस का अमाउंट तीन करोड़ जैसा मैंने ज्वेलरी का एग्जांपल दिया ये डिफरेंस का अमाउंट तीन करोड़ एस एस सी की डीम्ड इनकम माना जाएगा किस ईयर की इनकम माना जाएगा जिस साल वो इन एसेट्स का ऑनर होना पाया गया है फॉर एग्जाम्पल एस एस सी यहां रेड हुई ज्वेलरी मिली मैंने अभी एग्जाम्पल दिया पांच करोड़ की मिली लेकिन एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो करोड़ की बताई है तो तीन करोड़ एसएससी की डीम्ड इनकम मानी जाएगी किस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस साल एसएससी एस एसेट का ऑनर है पहली बार ऑनर बनाए उस साल की इनकम मानी जाएगी अब सेक्शन सिक्सटी सी सी एक्सपेंडिचर कई बार एसएससी शादी पार्टी वगैरह पर हैवी एक्सपेंडिचर करता है एस ऑफिसर उससे पूछ सकता है कि आपके एक्सपेंडिचर का सोर्स क्या है मतलब ये एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास इनकम कौन सी है कौन सी इनकम में से आपने ये एक्सपेंडिचर किया है अगर एस एस सी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता या उसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो इस सिचुएशन में वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट एस एस सी की डिम्ड इनकम माना जाएगा अब एक आर्ग्यूमेंट एस एस सी दे सकता है कि चलो आप इसे मेरी इनकम मान रहे हो लेकिन एक्सपेंडिचर भी हो गया ठीक है तो एक्सपेंडिचर का मुझे डिडक्शन दे दो एक्सपेंडिचर का एसएससी को कोई डिडक्शन नहीं दिया जाएगा और जो एक्सपेंडिचर का पूरा अमाउंट मान लिया जाएगा फिर एक और सेक्शन है सेक्शन 69 डी अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। तो एसएससी अगर कुछ बोरोइंग करता है या रिपेमेंट करता है बेसिस पर अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक ठीक है ंडी के बेसिस पर वो कुछ बोरोइंग करता है या रिपेमेंट करता है तो उस सिचुएशन में वो अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की इनकम मान लिया जाएगा उस पर्सन की इनकम माना जाएगा जिसने बोरोइंग की है या रिपेमेंट किया है लेकिन अगर एक बार बोरोइंग को इनकम माना गया है उसी का ही रिपेमेंट हो रहा है तो रिपेमेंट के टाइम पर दोबारा दोबारा ऐसे डीम्ड इनकम नहीं माना जाएगा ठीक है और किस ईयर की इनकम माना जाएगा जिस साल एसएससी ने बोरो किया है या रिपेमेंट किया है ठीक है और एक खास बात इन सारी इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लगती है कितनी से, सेक्शन वन फिफ्टीन बीबीई अप्लीकेबल होता है और वो कहता है टैक्स रेट लगेगी 78 परसेंट इन सारी इनकम पर टैक्स रेट लगेगी 78 परसेंट इसमें 60 परसेंट तो बेसिक है पच्चीस सरचार्ज लगेगा और चार परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा तो साठ परसेंट तो बेसिक है इसमें सरचार्ज चार्ज जोड़े और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़े तो आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाती है सेवेंटी एट परसेंट तो इसके साथ भी ये चैप्टर कंप्लीट